लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में पार्किंग की बड़ी चुनौती है। वासी के वार्ड 64 जैसे विकसित इलाके में इसकी समस्या और भी विकट है। हालत यह है कि पार्किंग स्थल के अभाव में यहाँ नागरिक सड़कों पर अपने वाहन खड़ी करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि शिवसेना के युवा नेता और धूत मोरे ने यूनिफाइड डीसीआर के जरिए इसका समाधान निकालने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि यूडीसीआर में प्लेग्राउंड में एलिवेटेड पार्किंग बनाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वार्ड 64 में जल्द ही एलिवेटेड पार्किंग का यह सपना साकार करेंगे। देखिए रिपोर्ट। बहुत बड़ी समस्या है ये एरिया की। मेरे विजन से तो हमारे एरिया का ये पार्किंग का विषय खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ के नागरिकों को कभी रोड साइड पे गाड़ी खड़े करने का नौबत नहीं आए, ये हमारा टारगेट होगा और ये जल्द से जल्द हम पूरा करेंगे। नवी मुंबई में पार्किंग की समस्या विकराल होती जा रही है। वासी का वार्ड नंबर 64 एक ऐसा ही विकसित इलाका है जहां इतने वाहन हो गए हैं कि रहवासियों के लिए अपने गाड़ियों की पार्किंग के लिए सड़क के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसका समाधान निकालने में जुटे शिवसेना के युवा नेता अवधूत मोरे ने कहा कि आज यहाँ एक एक घर में 2 से 3 गाड़ियाँ हैं, इनकी पार्किंग सड़क पर होती है जिससे यातायात जाम होने लगा है। आने वाले समय में ऐसे में वार्ड 64 में और आबादी बढ़ेगी और वाहन भी बढ़ेंगे, तब लोग पार्किंग के लिए आखिर कहाँ जाएंगे। युवा नेता ने कहा कि आज इसका समाधान निकालने का सही समय है, इसीलिए हम प्रभाग के इस मुसीबत को दूर करने की तैयारी में जुटे हैं। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ, वार्ड नंबर 64, पहले तो लोगों के पास स्कूटर भी नहीं थी। आज ऐसी स्थिति है कि मतलब गाड़ियाँ पार्क करने की जगह नहीं है। किधर हमारे इधर बड़ा एरिया रो हाउसेस का है। रो हाउसेस में अभी हर एक घर में 2 या 2 तो मिनिमम गाड़ियां है ही, वो कहाँ पार्किंग करेंगे। वो पार्किंग रोड पे ही करना पड़ता है। उसके वजह से आज रोड पे ट्रैफिक होने लग गया कि 2 गाड़ियां जा नहीं सकती एक साथ। इसके आगे रीडेवलपमेंट का विषय आ रहा है, तो रीडेवलपमेंट में इधर टावर्स बनने वाले हैं, इधर बड़े टावर्स बनेंगे। वो टावर्स के वजह से और इस इधर पॉपुलेशन इंटेक होने वाला है, उसके वजह से और गाड़ियाँ बढ़ेंगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है ये एरिया की। तो ये अभी ये समय है कि हमें सतर्क होके ये पार्किंग की ऐसी व्यवस्था जो यूडीसीआर में प्रोविजन है वो करनी चाहिए। अब जरा युवा नेता अवधूत मोरे के उस विजन को भी सुन लीजिए जिसके जरिए वे रो हाउस वाले प्रभाग 64 में पार्किंग समस्या का समाधान करने की तैयारी में हैं। अवधूत मोरे ने कहा कि उनका लक्ष्य प्रभाग के प्लेग्राउंड पर अंडरग्राउंड एलिवेटेड पार्किंग बनाने का है जिसका यूडीसीआर में प्रावधान किया गया है। असल में अवधूत मोरे बेसमेंट प्लस 2 मंजिला एलिवेटेड पार्किंग बनाना चाहते हैं जहां पार्किंग के साथ ही ड्राइवर्स के लिए रूम और शौचालय की भी सुविधा हो। उन्होंने दावा किया कि मेरा लक्ष्य ऐसा पार्किंग प्लाजा बनाने का है जिससे वार्ड 64 के नागरिकों को सड़क पर अपने कीमती वाहनों को खड़ी करने की नौबत ना आए। मेरे विजन से यहाँ जो प्लेग्राउंड्स है, कॉमन प्लेग्राउंड्स, जिसके पास किसी का ध्यान ही नहीं है, मतलब इतने सालों से ओपन प्लेग्राउंड है, आम जनता के लिए प्लेग्राउंड है, लेकिन वो आम जनता ऐसे ही जाके खेल लेती है, खुद ही साफ कर लेती है, कुछ मेंटेनेंस तो नहीं है उसका। प्रोविजन है ये यूडीसीआर में कि मतलब ये प्लेग्राउंड्स को एलिवेट करना है और उसके नीचे बेस
प्लस टू, ऐसे दो फ्लोर पार्किंग के हो जाएंगे, और उसमें वो ड्राइवर्स वगैरह जो सब लोग के हैं उनके लिए वॉशरूम्स, कुछ रूम, रेस्टिंग रूम्स, ये सब के भी प्रोविज़न उस यूडीसीआर के हिसाब से हो जाएंगे। वो प्लेग्राउंड्स भी सुधारे जाएंगे इस योजना से। हमारे यहाँ के नागरिकों को कभी रोड साइड पे गाड़ी खड़े करने का नौबत नहीं आए, ये हमारा टारगेट होगा और ये जल्द से जल्द हम पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।